नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन हंगामेदार रहा, जिसके बाद 18 जुलाई तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को उठाते हुए चर्चा की मांग की, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद बीजेपी, जनता कांग्रेस और बीएसपी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए और नारेबाजी करने लगे। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित विपक्ष के सदस्य धरने पर बैठ गए। ऐसे में चर्चा अन्नदाता पर अनमन के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र किसानों के मुद्दे पर गर्म रहा। बीजेपी और जेसीसी जे दोनों ही एक सुर में राज्य सरकार पर किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उन्हें राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद भूल गई है। सदन में बीजेपी ने मांग की कि किसानों के मुद्दों पर स्थगन लाकर आगे की कार्रवाई की जाए, लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस मसले पर नियमों का हवाला देते हुए नजर आए। देखिए इस हमारी रिपोर्ट पर। विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार का दिन किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर हंगामेदार रहा। विपक्षी पार्टी भाजपा और जेसीसी इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो हंगामा बढ़ गया। बीजेपी के सदस्यों का आरोप था कि प्रदेश में किसान बदहाल है, किसानों को बीज और खाद नहीं मिल रहा है, उन्हें बिजली भी नहीं मिल रही है और कर्ज माफी का झुंझुना पकड़ दिया गया, लेकिन माफी न होने से किसानों को नया कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार के खिलाफ सदन में इस पर सभी काम रोककर चर्चा कराने की मांग करते रहे। जब आसंदी ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेसीसी साथ आ गई और दोनों ही पार्टियों ने सदन में बेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सभी विधायक निलंबित हो गए, लेकिन वे बेल में डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। शोर शराबे के बीच सरकार ने कार्रवाई पूरी की और सदन को इसी दौरान दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और कुछ व्यावसायिक बैंक के अल्प ऋण को माफ करने का, लेकिन उनको प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ और इसके कारण बैंकों के द्वारा उनको नोटिस दी जा रही है। जब वो लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आज भी ऑनलाइन जो उनके बता रहे हैं कि उनके ऊपर में लोन है और ये लोन होने के कारण में उनको लोन नहीं मिल पा रही है। आगामी किसानी के समय में अभी जो दिक्कतें आ रही है और बहुत सारे उसमें पेचीदा डाल करके कि उनको अनेक दस्तावेजों की मांग की जा रही है, निश्चित रूप से इसको लेकर के किसानों में आक्रोश तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ ही साथ में किसान आज असमंजस की स्थिति में है कि सरकार बोल रही है कि हम कर्जा माफ कर दिए हैं और जब ये कर्जे के लिए जा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि आप कर्जदार हो इसलिए आपको लोन नहीं मिलेंगे और इसका यदि कोई शिकार हुआ है तो हमारे किसान हो रहे हैं। जवाब में कांग्रेस विधायकों ने भी अपनी सीटें पर खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के सदस्य घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी जब सत्ता में थी तो किसानों के लिए क्या कर रहे थे। इस पर स्थगन मांगने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि 65% किसानों का कर्ज माफ हो गया है। उनके इस बयान ने बीजेपी की धार को कमजोर कर दिया और कांग्रेस ने भी इस बयान को लपक लिया। जिस वक्त विपक्ष के विधायक निलंबित हो गए उस दौरान किसानों के मसले पर कृषि मंत्री ध्यानाकर्षण पर जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष के शोरगुल में ये छिप गया। इस पर चौबे ने विपक्ष की किसानों के प्रति व्यक्त की जा रही चिंता पर सवाल उठाए। इससे पहले जेसीसी और बीजेपी अंडे के मसले पर सरकार को घेर चुकी है। बीजेपी इससे पहले ही आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन पहली बार बीजेपी और जेसीसी ने किसानों के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी को इस तरह घेरा। दरअसल कांग्रेस की सरकार ने शुरू से ही वो फैसले लिए जिससे किसानों की हितैषी सरकार के रूप में उसकी छवि गढ़ती दिख रही थी, लेकिन मंगलवार को हमला उस छवि पर सीधे किया गया। रायपुर से रुपेश गुप्ता की रिपोर्ट।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं रजनीश सिंह भाजपा विधायक और रविकांत कौशिक वरिष्ठ पत्रकार और संकेत ठाकुर किसान नेता। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा रजनीश जी कि जिस तरह से कहा गया है सत्ता पक्ष की ओर से कि अब घड़ियालू आंसू बह रहे हैं तो इसमें अगर देखा जाए कि उनकी तरफ से कर्ज माफी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया लेकिन अगर कर्ज माफी हुई नहीं है हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 65% कर्ज माफी हो गई है अगर हुई नहीं है तो किसान आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। रजनीश जी रजनीश जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सवाल आपसे किए मेरा आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल रविकांत कौशिक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा जब तक उनके पास आवाज नहीं आ रही है जिस तरह से आज का जो हंगामेदार रहा दिन विधानसभा में जिस तरह से अगर देखा जाए कर्ज माफी का मुद्दा जहां बीजेपी लेकर घूम रही है और जीसीसीजे ने भी साथ दिया इसका लेकिन जिस तरह से अगर कर्ज माफी नहीं हुई होती तो किसान आवाज उठाता लेकिन किसान आवाज नहीं उठा रहा है कहा जा रहा है कि किसान की हालत बदहाल है उन्हें दोबारा से कर्ज नहीं मिल रहा है वो अपनी बुआनी के लिए बैठे हुए हैं। कुछ कुछ जगह पर अधिकारियों की अपनी मनमानी के कारण से कुछ कुछ जगह पर ये शिकायतें जरूर है ठीक है परंतु जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने जब ये स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि 65% आबादी की किसानों के कर्ज के माफी की गई है तो अपने आप में समझ में आता है कि सरकार ने जो घोषणा की थी उसको कितना पूरा की है और कितना पूरा नहीं किया। कुछ कुछ जगह पर कुछ मामले ऐसे हैं जो टेक्निकल रूप से फंसे हुए हैं वो निश्चित रूप से वो प्रभावित हैं और उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए मैं तो ये कहूंगा जरूर बिल्कुल परंतु आज जो ये विषय था उसमें कई प्रकार की चीजें थी और वो छोटी छोटी कई चीजों को जोड़ करके बड़ा बनाने का काम था और उसी को लेकर के अध्यक्ष ने और सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को खारिज किया और आसंदी ने कहा कि इसमें मतलब संसदीय कार्य मंत्री तो तैयार थे कि मतलब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा अगर नियमता अगर हो और आप स्वीकृत करेंगे तो हम चर्चा करेंगे ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया था। ऐसा भी नहीं था कि चर्चा से संसदीय कार्य मंत्री भाग रहे थे या सरकारी पक्ष भाग रहा था परंतु एक चीज बात आई परंतु निश्चित रूप से मैं दूसरी चीज कहूंगा कि किसानों के मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है किसानों के मामले पर भाजपा और कांग्रेस को बहुत ईमानदारी के साथ में जो उनकी जो मूल अपेक्षा है उसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है क्योंकि यही अन्नदाता जो है इस देश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है और उसी से ही इस देश की जीडीपी कहना चाहिए वो बढ़ेगा और यह देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनेगा। जी इसमें सदन की जो मांग कर रहे थे बीजेपी के सभी जो विधायक थे वो कहां तक सही थे उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद अध्यक्ष ने मना कर दिया स्वीकार कर दिया उनका प्रस्ताव नहीं किसानों के विषय को लेकर के जो समस्या आ रही है उसको मांग करना तो उसका धर्म है वो तो आती तो उतारेगा नहीं ऊपर उसमें बैठे हुए हैं तो वो उतना करेंगे उसमें उनकी जवाबदेही भी है कि वो विपक्ष के मतलब जनता के मुद्दे को उठाए परंतु उस पर जनता कितना उसको हाथों हाथ लेती है जिन वर्ग के विषय में उठा रहे वो उन वर्ग उनका कितना हाथों हाथ ले रहती है वो उनके विवेक पर निर्भर करेगा और किस प्रकार का है तो सदन के अंदर कोई चीज उठाया है तो उसपे हम मूल्यांकन नहीं करेंगे उसपे तो सदन में विधायक का विवेक जानेगा विधायक दल जानेगा और जनता उसको तय करेगी क्योंकि ये सदन के अंदर की चर्चा का विषय है इसलिए उस पर ज्यादा ये नहीं किया जा सकता परंतु जो भी है मुद्दा जो आया है मैं समझता हूँ कि संवेदनशील अगर सरकार है तो कुछ कुछ जगह पर जो दिक्कतें हैं कि कई जगह पर किसानों को कर्ज माफी का जो प्रमाण पत्र जो मिलना चाहिए और जिस प्रकार के जो चीजें हैं वो पूरा का पूरा नहीं मिल पाया उसके कारण से उनके साथ में दिक्कत है तो सरकार को चाहिए कि उस विषय को दूर करे। बिल्कुल बिल्कुल संकेत ठाकुर जी जिस तरह से अगर देखा जाए कि आप किसान नेता हैं और जिस तरह से आज का दिन था वो एक तरह से नारेबाजी उसके भेंट चढ़ गया किसान के मुद्दे पर सघन चर्चा नहीं हो पाई जिस तरह से देखा जाए दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में उलझे हुए हैं कि कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई आप किसान नेता हैं आप इस चीज को बखूबी जानते होंगे कि किसान की हालत प्रदेश के अंदर कैसी है।
देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के पहले किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, बिल्कुल ठीक। और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं वो, तो फिर किसानों के प्रति उनकी संवेदनहीनता बड़ी साफ साफ दिखाई देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से सूखे का खतरा दिखाई दे रहा है। किसान बीज और खाद के लिए तरस रहे एक तरफ, तो दूसरी तरफ पानी के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था ठीक से हो। किसान हर तरफ से समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन संवेदनहीनता का परिणाम देखिए कि आज राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी ने सदन में इस विषय पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी जो एक समय में किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकी, इसलिए किसानों ने उन्हें सत्ता से हटाया, अब वही भारतीय जनता पार्टी जब बात करना चाहती है तो कांग्रेस इनकार कर रही है। तो सत्ता का चरित्र लगातार हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस पे अलग से बहस होनी चाहिए, किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता का परिचय दोनों पार्टी को दिखाना चाहिए, क्योंकि अंततः किसान ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्ग है, जो जीत हार की बात मैं नहीं कर रहा, आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को मजबूत करता है। किसानों की वजह से ही प्रदेश की कृषि की अर्थव्यवस्था की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखने को मिल रही है कि वो जो बड़ा वर्ग जो रोजगार तो एक तरफ मुहैया कराता है ही, प्रदेश को एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे भी देता है, आर्थिक रूप से मजबूत करता है, उस पर चर्चा करने से आज कांग्रेस के जो हमारे नेतागण हैं उन्होंने इनकार कर दिया। ये बहुत ही दुखद बात मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिनके द्वारा ही वो सत्ता में आए, जिनके वचन पत्र में लगभग सारी योजनाएं किसानों के लिए थी। बिल्कुल, मैं आना चाहूंगा राजीव जी, मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और बात मैं कहूंगा। जी 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 बोलिए। मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि किसानों ने आत्महत्या की बड़े पैमाने पर 2 साल पहले 1 साल पहले, उन मृत किसानों के घर में आज भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, आज भी उन मृत किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बना हुआ है। मैं कल की ही बात करना चाहूंगा, एक किसान परिवार ने मेरे से संपर्क किया कि अभी तक हमें कर्ज माफी का प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली उन घर में आज भी मातम पसरा है, तो इससे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। बिल्कुल, जिस तरह से नीरज रजनीश जिस तरह से आज कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और मुद्दा आपने उठाया, उसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया इस पर और कहा कि घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब आप क्या कर रहे थे। रजनी जी चलिए, रजनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, मैं साकेत ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से अगर देखे कि कहा जा रहा था कि बीजेपी जिस तरफ, आपने खुद ही बोला कि अगर बीजेपी ने सही से किसानों के बारे में नहीं सोचा इसलिए सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से किसानों की अब कांग्रेस भी अनसुना कर रही है, वो सदन में इसलिए शायद उस पर बात नहीं करना चाहती, उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि शायद उन्हें अपनी कमियां पता है या फिर उन्हें मालूम है कि वो कहीं ना कहीं कमी में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, किसानों ने बड़ी उम्मीद से कांग्रेस को सत्ता सौंपी, 15 साल तक कांग्रेस विपक्ष में रही और कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। इन किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि बड़े पैमाने पर आत्महत्या और कर्ज का जो बोझ बढ़ा, उसकी वजह से किसानों में अविश्वास पनपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की ओर ध्यान दिया। अब कांग्रेस के प्रति बड़ी उम्मीद, कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे, आज भी नेशनलाइज्ड बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्ज के बारे में सरकार चुपचाप बैठी है। जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ उनको प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला, अब किसान चक्कर काट रहे सोसाइटी के, तो वहां बोला जाता है कि आपके पास ऋण प्रमाण पत्र आया नहीं है तो हम आपको कर्ज दे नहीं सकते। किसान हर हाल में पिस रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश की सरकार इसको राजनीति का रूप देने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है। किसानों के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए सरकार आई है तो कम से कम किसानों की संवेदना को ध्यान में रखते हुए, किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम सरकार कुछ जरूरी कदम तत्काल उठाए, ये मैं अपील करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से रजनीश जी अब आप तक आवाज पहुंच रही होगी हमारी, जिस तरह से आज का जो मुद्दा रहा, आज गर्म रहा, काफी सदन हंगामेदार रहा, उसके बाद जिस तरीके से कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इस तरफ स्थगन की मांग की गई लेकिन वो ठुकरा दी गई, स्वीकार कर दी गई, शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने बचाव में जवाब देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से जो सबसे अहम मुद्दा था किसान का उसी पर ही अब कांग्रेस बात नहीं करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने आप पर आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया कि आप जब सत्ता में थे तब आप क्या कर रहे थे। देखिए, ये मानसून सत्र मुख्य रूप से किसान को लेकर ही है, किसानों के लिए लेकर रहता है, और आज हम मांग क्या कर रहे थे, स्थगन में विषय क्या थे,
विषय किसान का था, इन्होंने जो सत्ता संभालते साथ जगह जगह ये जो बोल रहे हैं कि हमने 3 घंटे में कर्जा माफ कर दिए, और हमारे कौशिक जी, रविकांत कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मान लिया है कि 65% ऋण ये सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कही है, जिसका इन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हम 3 घंटे में पूरा 100% कोऑपरेटिव का माफ कर दिया है। 10,091 जो सोसाइटियां हैं, व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक का तो बात ही नहीं है, और इसके चलते जो किसान है डिफॉल्टर हो गए हैं, उनको नोटिस मिल रहा है, खाद बीज नहीं दिया जा रहा है, केसीसी नहीं दिया, बिजली कटौती कारण पंप नहीं चल रहे हैं, इस प्रकार से चौतरफा मानसून की कमी है। और आने वाले समय में आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने एक बात की ओर आगाह किया कि आने वाला समय बहुत संकटों वाला हो सकता है यदि हम समय रहते न चेते, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। आखिर उसमें उनको चर्चा से क्या परहेज है? सब विषय आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे दूर करें। यदि ये कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा बोल दें कि व्यावसायिक और राष्ट्रीयकृत बैंक का हम कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे, किसान को डिफॉल्टर होने की जरूरत नहीं है, किसान भ्रम में है कि कर्जा पटाएं नहीं पटाएं, और उसका जो अभी मुख्य समय है खाद बीज पानी का कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार पूरी तरह से फेलवर है, इसलिए आज ये चर्चा से भागी है। बिल्कुल रविकांत जी, जिस तरह से किसान की हालत, खुद किसान नेता उन्होंने भी इसका जिक्र किया सागर जी ने, कि जिस तरह से उनकी हाल बदहाल है, बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, वो आने के लिए बैठे, बैंक कर्ज नहीं दे रही, जिस तरह से अगर ये आलम चलता रहा और कांग्रेस सदन में इस तरह से भागती रही तो कैसे किसानों की कौन सुनने वाला है, फिर किसानों के लिए कहां से नीति बनेगी? फिर तो फिर क्या है, फिर किसान जो है समय आने पर बदल देगी सरकार को, वो यही करते रहेगी। और अब तो किसानों को समझना होगा, पहले इस राज्य में कई बार किसानों के मुद्दे को लेकर के बड़े नेता हुआ करते थे और किसानों का मूवमेंट हुआ करता था, परंतु अब किसानों को लेकर के दोनों राजनीतिक दल अवसरवादी गुण अपनाते हैं, उसके कारण से उनकी सुनने वाले कोई नहीं है, इसलिए किसान सड़क पर नहीं उतरता है। बिल्कुल, सड़क पर किसान जिस दिन उतर जाएगा तो दोनों राजनीतिक दल को समझ में आ जाएगा। हालात भी ऐसे कुछ बना रही कांग्रेस। रविकांत जी, जिस तरह से आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ में माहौल है, किसान परेशान है, चाहे वो खाद बीज को लेकर हो, चाहे वो बुआनी को लेकर हो, लेकिन उस तरह कांग्रेस जो अपने आप को किसानों की मसीहा वाली पार्टी बताती है, किसानों को मसीहा कहती, किसानों को दुख दर्द बांटने की बात करती है, वही किसानों के मुद्दे से सदन में भाग रही है, किसानों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये कई सवाल भी खड़ा करते हैं, क्योंकि कहां जाए, एक तरफ किसानों की चिंता करने वाली पार्टी बताई जाती है, किसानों की मसीहा बताई जाती है, वो आखिर किसानों के हमदर्द यानी कि दर्द को साझा क्यों नहीं करना चाहती, आखिर उस पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? क्या कर्जमाफी का इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है? शायद कर्जमाफी वो मुद्दा है जिसकी वजह से कांग्रेस खुद का बचाव करने के लिए इस प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर उसे पता है अगर ये मुद्दा उठा तो जरूर कहीं ना कहीं किरकिरी होगी और उन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे पाएगा, शायद इसी वजह से ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं हुई, और जो सत्र जिन किसानों के लिए ही बुलाया गया है उसी सत्र में ही किसानों पर बात नहीं की जा रही है। जिस तरह से अगर देखा जाए किसानों का हाल बेहाल है, मानसून सर पे है, ये समय बिल्कुल ऐसा वक्त है कि किसानों के लिए जब अपनी बुआनी के लिए बैठे हैं और ऐसे ही उन्हें खाद बीज ही नहीं मिलेगा तो वो कहां से अपनी बुआनी करेंगे और कहां से अनाज उगाएंगे और कहां से अपना पेट भरेंगे? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो जो बीजेपी ने किया उसी राह पर यह कांग्रेस भी निकली है। अगर जिस तरह से किसानों के ही मुद्दों को अनसुना किया जाएगा, किसानों की हालत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर है कि 5 सालों में जो आलम बीजेपी का हुआ वही शायद कांग्रेस का भी हुआ। लेकिन जैसा कि उसमें कहा है कि रजनी जी, जिस तरह से अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि जिस तरह से अब कांग्रेस के जो किसानों के बड़े नेता थे, जो बड़े नेता थे वो अब नहीं रहे हैं, जिस वजह से किसान अब सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, क्या हालात उस तरीके से बना दिए जाएंगे कि आज नहीं कल किसान को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके कानून जुड़गी सरकार के? क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि या प्रवक्ता हमारे पास आया नहीं जिससे मुझे ये सवाल पूछूं। जी बिल्कुल, अभी जो स्थिति है
कांग्रेस ये चाह रही है लगता है बड़े बड़े घोषणा पत्र करके तो सत्ता में आ गई है, लेकिन उनको सरकार चला बन नहीं रहा है और इस कारण वो तमाम, मैं सिर्फ आज तो किसान के मुद्दे उठे हैं, लेकिन तमाम चाहे हम शराबबंदी का मुद्दा लें, शिक्षा कर्मी का मुद्दा लें, ये किसी भी विषय में सफल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में किसानों के लिए किया था, बार बार बात आती है कि क्या किया, हम 2003 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने बात की इस प्रदेश में क्या स्थिति थी किसान की, कितने प्रतिशत में ब्याज मिलता था, धान की खरीदी की क्या स्थिति थी, पंप की कनेक्शन का क्या था, 72,000 कनेक्शन थे 2003 में, आज 2018-19 में 5,000 कनेक्शन हो गए, धान खरीदी इतने, ब्याज जो राशि था 14% से घटते घटते 0% में आ गए, केसीसी राशि 2003 में जो 50 करोड़ 60 करोड़ रहती थी 2018 के आते आते 500 करोड़ के ऊपर किसानों को मिलने लगा था। और इस प्रकार से किसानों के उनकी जो आय में लगातार वृद्धि हो रहा था, इन्होंने इस चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम 2500 रुपया बोनस देंगे, सभी का माफ होगा, सबका, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड है, सबका होगा, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, मध्य टर्म नहीं, व्यावसायिक बैंक का होगा, नेशनल बैंक का होगा और सरकारी बैंकों का होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सरकारी बैंक का कर्ज नहीं माफ कर पाए हैं और जगह जगह जाके बोलते हैं कि 3 घंटे में हमने माफ कर दिया, पूरे छत्तीसगढ़ की किसान खुशहाल है, छत्तीसगढ़ के किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है, वो तस्वीर किसान सात पन्ने का आत्महत्या करता है, सात पन्ने का एक सुसाइडल नोट लिख के कि उनके जो कर्जे थे माफ नहीं हुए, उनके सामने जो समस्या थी। तो इस प्रकार से वक्त ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 महीने में पूरी क्लियर हो जाएगी, बहुत जल्द सबका मोह भंग हो चुका है, छत्तीसगढ़ के चाहे व्यापारी हो, मैं आपके पास जाऊंगा, और भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, छात्र हो, सबका मोह भंग हो चुका है। जी जी रविकांत जी, आप जिक्र कर रहे थे किसी चीज का, जी अभी जब सवाल पूछा गया था, मैं तो ये कह रहा था कि ईमानदारी की बात अगर ये देखा जाए तो हिंदुस्तान में किसान जो है सिर्फ वोट बैंक का विषय रहा है राजनीतिक दलों के लिए, और इसीलिए किसानों की स्थिति आज तक वैसी है। आज हिंदुस्तान में राजनीतिक दल किसानों को जरा उद्योग का दर्जा दिलवाते और जो भाजपा ने कहा या कांग्रेस ने जो कहा वो किसानों को कृषि उत्पाद का अपेक्षित लाभकारी मूल्य दिलवाते, उसके बाद किसानों को कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सारे के सारे जो जो लोग हैं इस देश के अन्नदाता किसान को जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह जो उपयोग करते हैं, वो इस देश की राजनीति और इस देश के किसानों के भाग्य में क्या है ये उसी से रेखांकित होता है। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो वादा किया है कांग्रेस को उस वादे को पूरा करना चाहिए, अन्यथा देश की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास का भाव बढ़ेगा, उससे जो प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होगी वो और भयावह होगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने वही किया किसानों के साथ। हाँ, उसी राह पर ही कांग्रेस है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने उठाया सवाल कि 15 साल आपने क्या किया, और अब वही चीज अगर कांग्रेस भी अगर किसानों के साथ वही करेगी तो कांग्रेस ये किसान फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो हमारे किसान नेता या किसानों में वैज्ञानिक जो है डॉक्टर संजय ठाकुर जी बताए कि उनका किसान मूवमेंट खड़ा क्यों नहीं होता इस राज्य के अंदर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत समय कम है ठाकुर जी, बस एक कुछ शब्दों में इसका जवाब दे दीजिए। मैं रविकांत जी अच्छे पत्रकार हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा ये किसान ही है।